हेलो एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने एक लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज किया था। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में था या आप यूं कह सकते हैं कैनोनिकल फॉर्म में था जिसमें सारे के सारे वेरिएबल प्रेजेंट थे। इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन करेंगे जो हमें मिनिमल फॉर्म में दे रखा है जिसमें सारे के सारे वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। ये हमें कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो मिनिमल फॉर्म में है, इसके अंदर जितने भी मिन टर्म्स हैं उनमें सारे के सारे वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, मिनिमाइज इट एंड रियलाइज द मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। इसको मिनिमाइज करने के बाद जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको हमें रियलाइज करना है गेट्स यूज करके, और सिर्फ एक ही टाइप का गेट यूज करना, हमें सिर्फ नैंड गेट यूज करना है। तो उसी तरह से सबसे पहले हम देखेंगे कि वेरिएबल कितने हैं इसके अंदर। इसके अंदर 4 वेरिएबल्स हैं। अकॉर्डिंगली हमने यहां पर के मैप बना रखा है। ये एसओपी फॉर्म के अकॉर्डिंगली सारे कॉम्बिनेशंस और वेरिएबल्स लिखे हुए हैं हमने यहां पर। ये इनके एड्रेसेस लिखे हुए हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छी तरह किए हैं। तो इसमें मेनली हमें क्या ध्यान रखना है, जब हम मिनिमल फॉर्म दे रखे हैं यहां पर, हमने जब ग्रुपिंग का पार्ट किया था तो उसमें हमने देखा था कि कोई भी 2 का ग्रुप है, कोई भी 2 वंस का ग्रुप है तो उसके अंदर एक वेरिएबल कम हो जाता है। यदि कोई 4 का ग्रुप है तो उसके अंदर 2 वेरिएबल्स कम हो जाते हैं, और यदि कोई 8 का ग्रुप है तो उसके अंदर 3 वेरिएबल कम हो जाते हैं, और 16 का कोई ग्रुप है तो उसके अंदर 4 वेरिएबल कम हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। तो इन सब का हम यूज इस इक्वेशन में करेंगे। यहां पर सबसे पहले हम देखें, यहां पर ये फर्स्ट टर्म ए बी दे रखा है। ए बी मीन्स कि यहां पर 2 वेरिएबल दे रखे हमें। 2 वेरिएबल का मतलब क्या है कि 2 वेरिएबल इसमें लेस है, कम है, क्योंकि वेरिएबल कितने हमारे पास, 4 वेरिएबल है इसमें, ए बी सी डी वेरिएबल है, बट इसके अंदर सिर्फ 2 ही हैं। इसका मतलब 2 वेरिएबल लेस हैं। 2 वेरिएबल लेस मींस कि ये कोई 4 वंस का ग्रुप है जिसके लिए ए बी लिखा गया है। 4 वंस का ग्रुप मींस कि यहां पर जब हम देखें कि सिर्फ ए बी यहां पर ले रखा है, तो ए बी मींस कि सिर्फ इसने यहां पर 2 टर्म ले रखी हैं, और ये कोई 4 का ग्रुप है तो 4 का ग्रुप ए बी के लिए कैसे आ जाएगा, 1 1 1। ये 4 का ग्रुप है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, यहां पर ए बी निकलेगा। तो ये ए बी दे रखा है जिसके लिए हमने ये 4 का ग्रुप बनाया है। हम फिर से देख लेते हैं ये हमने क्यों बनाया है, क्योंकि 2 वेरिएबल है, इट मींस कि यहां पर 2 वेरिएबल लेस है, और ये कोई 4 का ग्रुप है, इसलिए हमने ए बी के लिए ये 4 का ग्रुप यहां पे बनाया है। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं ए सी बार। ए सी बार मीन्स कि ये भी कोई 2 का ग्रुप है, 2 वेरिएबल इसके अंदर लेस है। ए सी बार मीन्स कि इसने एमएसपी की साइड में ए कॉमन है और एलएसपी साइड में क्या कॉमन है, सी बार। तो ए कॉमन किन कॉलम्स के लिए है, यहां पर यदि हम देखें इन 2 कॉलम को यदि हम लें तो यहां पर ए कॉमन है इन 2 कॉलम्स के लिए, और सी बार कॉमन कहां पर है, सी बार इन 2 कॉलम्स के लिए यूज है। इट मींस कि ये यहां से 2 कॉलम और ये यहां से 2 कॉलम, 1 1 1 और ये 1, इट मींस के ये 4 का ग्रुप है जो क्या है, ए सी बार। उसके बाद सी लिखा हुआ है यहां पर। सी मींस कि सिर्फ एक ही वेरिएबल है। एक वेरिएबल मींस कि इसके अंदर 3 वेरिएबल कम है, 3 वेरिएबल कम है, और हमें पता है कि 3 वेरिएबल कम कब होते हैं, जब कोई 8 का ग्रुप होता है। तो 8 का ग्रुप मींस कि इसमें एमएसपी साइड से कोई वेरिएबल नहीं है, इट मींस कि इसमें चारों के चारों ब्लॉक यूज हैं, और एलएसबी साइड में इसने 2 रो यूज कर रखे हैं जिसके अंदर सी कॉमन है। तो ये यहां पर इन 2 रो के लिए सी कॉमन है, तो ये कोई 8 का ग्रुप है, तो हम यहां पर इस तरह से 3 4 5 6 7 8, ये कोई 8 का ग्रुप आ जाएगा जिसके लिए सिर्फ यहां पर सी वेरिएबल लिखा हुआ है। तो इसमें हमने देखा कि यहां पर सी वेरिएबल मींस कि इसने एमएसपी साइड का कोई भी वेरिएबल नहीं ले रखा, इट मींस कि इसके चारों के चारों कॉलम ऑक्यूपाइड हैं, और सिर्फ सी ले रखा है, इट मींस कि यहां पर कोई 2 रो है जिसमें सी कॉमन है, तो ये 8 वंस का कोई ग्रुप हमने लिखा है। उसके बाद ए डी है। ए डी मींस कि एमएसपी साइड में कोई ए कॉमन है और एलएसबी साइड में डी कॉमन है, ये कोई 4 का ग्रुप है क्योंकि 2 वेरिएबल कम है इसके अंदर। तो ए कॉमन किस लाइन में है, इन 2 कॉलम्स में ए कॉमन है, और डी कॉमन कहां पर है, इन 2 रोज के अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर, यहां पर। तो 1 1 1 और ये 1, ये 4 का ग्रुप किसके लिए बना, ए डी के लिए बना। तो ए डी के लिए हमने ये
चार वंस लिखे यहां पर, ए कॉमन इन दोनों कॉलम के लिए और डी कॉमन इन दोनों रो के लिए, तो ये चार का ग्रुप है, दिस इज फॉर ए डी। नेक्स्ट टर्म इज ए बी बार सी डी, इसमें यहां पर चारों के चारों वेरिएबल हैं, इट मींस के ये कोई सिंगल वन है। ए बी बार, ए बी बार की लाइन ये है यहां पर, ये कॉलम ए बी बार का है एंड सी डी ये सी डी के लिए है, तो ये जो वन है दिस इज फॉर ए बी बार सी डी। तो इस तरह से हम के मैप को फिल कर सकते हैं इस टर्म को देखते हुए कि कोई भी दो वेरिएबल कम है, इट मींस कि वो फोर का ग्रुप है, कोई एक वेरिएबल यहां पर लिख रखा है, इट मींस कि वो कोई एट का ग्रुप है, फोर यहां पर लिख रखे हैं, इट मींस कोई वो सिंगल वन है। तो इस तरह से हमने के मैप फिल किया है। अब इस के मैप को फिल करने के बाद हम इसकी मैचिंग करेंगे, हम देखेंगे कि लार्जेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन कहां पर है। तो लार्जेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन कहां पर बनेगा, ये एक एट का ग्रुप है इस तरह से, और इसी तरह से ये एक एट का ग्रुप बनेगा इस तरह से। तो यहां पर दो ग्रुप बने एट के, मान लो दिस ग्रुप इज वन एंड दिस इज सेकेंड, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू वन प्लस टू। फर्स्ट ग्रुप के लिए यदि हम लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, यहां पर इस साइड में हमने चारों रो यूज करके, इट मींस के ये साइड वन हो जाएगी, और एमएसबी की साइड में यदि हम देखें तो एमएसबी की साइड में क्या कॉमन है, इनमें ए कॉमन है, तो दिस इज फॉर ए। प्लस सेकेंड के लिए हम देखें, सेकेंड के लिए ये कोई एट का ग्रुप है, इट मींस इसने चारों कॉलम यूज कर रखे, तो एमएसबी साइड वन हो जाती है, और इस साइड में क्या आ जाएगा, जो भी कॉमन है यहां पर सी कॉमन है, इट मींस ए प्लस सी हमारे पास फाइनल मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आया है। अब ये क्या कहता है कि इस मिनिमाइज एक्सप्रेशन को रियलाइज करना हमें यूजिंग ओनली नैंड गेट्स। तो ये प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि कोई भी एसओपी फंक्शन हमें यहां पर दे रखा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको जब हमें नैंड गेट यूज करके रियलाइज करना होता है, तो इसको हम डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं बोथ साइड, डबल कॉम्प्लीमेंट बोथ साइड्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा, दिस इज F डबल कॉम्प्लीमेंट और यहां पर A प्लस सी डबल कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट को हम सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी होल कॉम्प्लीमेंट है वो ब्रेक हो जाएगा बीच में से, और उसका जो साइन है प्लस का वो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, या यूं कह सकते हैं जो ऑरिंग है वो एंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट अलग से आ गया, और इस ऑरिंग की जगह यहां पर एंडिंग लिख देंगे, मल्टीप्लीकेशन लिख देंगे, और ये सी है। तो ये सिंगल कॉम्प्लीमेंट हमने सिंप्लीफाई किया, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट एज इट इज आ जाएगा। तो ये क्या है, एक नैंड गेट हम यहां पर यूज करेंगे, एक नैंड गेट यहां पर, और एक टोटल नैंड गेट यूज करेंगे, इट मींस कि ये टू लेवल नैंड गेट कॉन्फ़िगरेशन होगी यहां पर। तो इसको हम किस तरह से बना सकते हैं, यहां पर कोई एक नैंड गेट हमने लिया इस तरह से, और सिंगल ही इनपुट है यहां पर, तो इसको हम इस तरह से हम शॉर्ट कर लेंगे दोनों इनपुट्स को, और यहां पर ए अप्लाई करेंगे, तो ये आउटपुट क्या हो जाएगी, दिस इज ए बार। इसी तरह से हम सेकेंड नैंड गेट हम यूज करेंगे यहां पर, दिस इज बी, और आउटपुट क्या रहेगी, बी बार। और फिर से यहां पर एक नैंड गेट लगा हुआ, ये मल्टीप्लीकेशन है और ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, इट मींस के ये क्या है, दिस इज नैंड गेट। तो यहां पर इस तरह से हम ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ये f डबल बार था, f डबल बार मींस f के बराबर ही होता है, डबल बार आपस में कैंसिल हो जाता है ये, तो इट मींस के यहां पर क्या आएगा, देखो कि a बार यहां पर डॉट b बार है, और ये क्या करेगा, इसका मल्टीप्लीकेशन करके कॉम्प्लीमेंट कर दिया इसने। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहां से इसको ये यहां से ब्रेक हो जाएगा यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम, और इनके बीच का साइन चेंज हो जाएगा यहां पर, ये एक कॉम्प्लीमेंट पहले से था, एक ब्रेक होने के बाद आएगा डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डबल कॉम्प्लीमेंट, और इज इक्वल टू डबल कॉम्प्लीमेंट आपस में कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज सॉरी ये सी था यहां पर, दिस इज सी, दिस इज सी है, ये करेक्ट कर लेना प्लीज, ये सी है यहां पर, और इसी तरह से ये सी वेरिएबल है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, ए प्लस सी। तो इस तरह से हम कोई भी मिनिमाइज्ड आउटपुट आए उसको
सिर्फ एक ही टाइप का गेट यूज करके हम रियलाइज कर सकते हैं। तो जनरली जो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा उसमें ये पूछा जाता है कि मिनिमाइज्ड फंक्शन को आपको रियलाइज करना है यूजिंग ओनली वन टाइप ऑफ गेट। तो ये आप ध्यान रखें, इसको आपको इस तरह से करना है। ये होमवर्क प्रॉब्लम है, ये आपको सॉल्व करनी है। दिस इज ए बार बी प्लस बी प्लस ए बी डी प्लस ए बार बी सी डी बार, ये आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। यदि आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है, कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स।